और सोनू संग रक्षाबंधन का त्योहार। भाई बहन का प्यार, फूलों का, तारों का, सबका कहना है एक हजारों में मेरी बहना है। त्योहार खुशियों भरा, भाई मौका है रक्षाबंधन के त्योहार का, और ऐसे में भाई बहन की ये जोड़ी यानी कि राज और उनकी बहन सोनू संग हम मनाएंगे ये त्योहार। भाई राज को आप टप्पू के रूप में सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा में देख चुके हैं, और फिलहाल वो नए प्रोजेक्ट की तैयारी में लगे हैं। और आज राज और सोनू रक्षाबंधन के मौके पर पहुंचेंगे इस रेस्टोरेंट में। राज देंगे सोनू को ट्रीट। इसी के साथ बहना भाई की कलाई पर बांधेगी राखी। दिखेगी दोनों की बॉन्डिंग, साथ ही जानेंगे भाई बहन की इस जोड़ी के बारे में कई सारी बातें, यानी कि त्योहार पर होगा फन अनलिमिटेड। तो चलिए करते हैं त्योहार की शुरुआत। मैं इतना खुश हूँ आज रक्षाबंधन। मैं भी बहुत खुश हूँ, मुझे गिफ्ट मिलने वाले हैं। अभी इसने इसकी खुशी तो बता दी, अब मैं आपको अपना दर्द बताता हूँ। सो आज रक्षाबंधन है, तो अभी हम लोग आए हैं लंच के लिए। भाई हैं तो रक्षा करनी है, और मेरा कर्तव्य भी बनता है कि बहन को मैं कुछ अच्छी सी ट्रीट दूँ और जेब खाली करवाऊँ। सो मेरा वॉलेट ऑलरेडी फुल है, यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको, मतलब ऐसा भर के लेकर आया हूँ, सारा मैं आज ख़त्म करने वाला हूँ। Are you excited, Sonu? Yes, I am excited, और ये एक दिन होता है तो बहनों का हक होता है कि यू नो भाई के जो भी पॉकेट में जा रहा वाले वो सब खाली कर दे हम, एंड बहुत मज़े करने वाले हम, सीक्रेट्स भी स्पिल होने वाले हैं। सो यस, आई एम वेरी एक्साइटेड। अभी जिस तरीके से ये बोल रही है लग रहा है मज़ा यही करने वाली है आज, मैं लुटाने वाला हूँ आज सारा। यस चलिए। क्या आज का दिन है ना, थोड़ा संभालना पड़ता है, बाकी कल से आइए बैठिए मैम, आइए मैम। मैम आप कहाँ बैठेंगे, कौन सा टेबल लेंगे मैम? मैम यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे बहुत बड़ा टेबल है मैम आपके लिए, आइए। कम भाई, ये भाई बहन की बॉन्डिंग है एकदम अनोखी। एक दूसरे से प्यार तो बहुत करते हैं, साथ ही साथ करते हैं नोक झोंक भी। तो आइए इन दोनों के बारे में जानते हैं, इन दोनों से ही ढेर सारी बातें, क्योंकि ये दोनों कर रहे हैं एक दूसरे की पोल खोल। राज का राज चलता है, राज छोटा है एंड उसका ही राज चलता है। बॉसी है, बहुत बहुत परेशान करता है लोगों को, मम्मी को भी तंग करता है, खाने में ये बनाइए वो बनाइए, ये मत डालिए ये मत डालिए। खाने में तो भाई इसके बहुत ज़्यादा नखरे हैं, मॉम पूछ पूछ के थक जाती है सोनू क्या खाना है क्या। मॉम 6 बजे उठती है, उठते ही मॉम हम एक दूसरे को गुड मॉर्निंग विश करते हैं, राइट? मॉम उठते ही सोनू क्या खाएगी, सोनू क्या खाएगी, सोनू क्या खाएगी, एंड ये आंसर करती नहीं है। मैं एक्चुअली मेरा क्या है ना, मुझे कुछ कुछ जो चीज़ें वो पसंद नहीं है, लाइक गरम मसाले, अदरक हो, इलायची हो, वो सब चीज़ें मुझे कुछ कुछ यू नो नहीं पसंद है, तो मैं बोल देता हूँ कि ये मत डालो मेरे खाने में, वरना मुझे मॉम जो भी देती है मैं खा लेता हूँ। इसके बहुत नखरे होते हैं। और बॉसी, ओ माई गॉड लुक एट दिस, कौन बोल रहा है, हाँ मैं बॉसी हूँ क्या? सच में पोल खोल हो रही है एंड नहीं, मतलब क्या ऐसा पूछा तूने आया करके बोल दिया, और क्या होता है ये, मैं बॉसी हूँ, तुझे लगता है मैं बॉसी हूँ सोनू? गाइस आपको लगता है, तुझे लगता है मैं बॉसी हूँ, मुझे बता तू सिर्फ। लग रहा है, दिख भी रहा है। बहुत ही मस्ती खोरता, इसने मेरे खिलौने भी तोड़ दिए, मेरी साइकिल यूज की है जबकि मैं खेला ही नहीं, और मैं बहुत स्टूडियस थी, और इसका होमवर्क भी मैंने किया है। सो आपको और क्या बताऊँ मैं इसके मिसचीफ्स के बारे में। एंड बड़ा होके भी ये ऐसे ही करता था, सबके साथ मस्ती करता है, प्रैंक्स करता है अभी भी, एंड बचपन में भी वैसा ही था ये। राज थोड़ा बताइए अपने बारे में, कुछ अच्छी डिटेल्स बताइए। ऐसा कोई भी प्रैंक ना हो जिसमें सोनू डरी ना हो। लाइक मेरे प्रैंक्स बहुत से किडिश होते हैं, यू नो मैं चालू वीडियो में, जैसे हम लोग कुछ अगर यूट्यूब के लिए शूट कर रहे हैं, सो मैं यू नो साइड में आके बलून फोड़ दूंगा कान के पास, तो ये डर जाती है।
फिर ऐसे ही कभी अगर कहीं वॉक कर रही है बिल्डिंग के नीचे तो मैं पीछे जाके डरा देता हूँ तो ये डर जाती है। तो ऐसे तो मैं मेरा रोज़ का ये चलता रहता है मेरा। और जब हम चैलेंज वीडियो करते हैं तब मिर्ची विर्ची कोलकेट और ये सब तो सब बहुत बेसिक चीज़ें जो ये करता ही रहता है, तो मैं हर टाइम प्रैंक होते रहती हूँ। इसके साथ मैंने एक अच्छा प्रैंक किया था, हम लोग घर पर पानी पूरी खा रहे थे एंड गुलकंद वगैरह भी था घर पर, तो मैंने क्या किया पानी पूरी के अंदर डाला गुलकंद 2 चम्मच, उसमें डाला तीखा पानी और मैंने बोला उनको ओ वाह सुनू खा के देख एकदम मस्त मसाला वसाला डाल के बनाया मैंने, एंड शी इज लाइक अरे वाह अच्छा है चलो। उसने खाया और जो इसका मुंह देखने लायक था, अनफॉर्चुनेटली वो मैंने शूट नहीं किया वरना मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करता वो। सो उसने गुलकंद पानी पूरी भी खाई हुई मेरे हाथों की। आज ये जो बोले वो आप अगर ये चाहें तो मैं किचन में जाके इनके लिए खाना भी बना सकता हूँ। बिल तो वैसे भी मैं पैक करने वाला हूँ, आप जो बोलो वो आपको क्या जो भी चाहिए आपकी खिदमत में हाजिर। ऑर्डर ऑर्डर मैं तो कहता हूँ सब एक एक मेन्यू में से ऑर्डर कर देते है ना, आपको जो खाना है आप थोड़ा थोड़ा खा सकते हैं। आज हमारी राखी ट्रीट होने वाली है एंड ऑल्सो राज बहुत ही बढ़िया खाना बनाता है, जिन लोगों को नहीं पता उनके फैंस को। यस राज बहुत अच्छी बेकिंग भी करता है एंड हमारे लिए ना कुकीज़ केक्स यमी यमी डिलीशियस चीज़ें भी बनाता है। सो बहुत लोगों को इनके फैंस को पता नहीं है ये बात कि राज अच्छी चॉपिंग करता है, अच्छा खाना भी बनाता है, बेकिंग भी करता है एंड स्पेशली उन्होंने सभी इंग्रेडिएंट्स भी लिए हैं, माइक्रोवेव भी लिया है एंड ही कीप्स कुकिंग, सो दैट इज़ वन फन साइड ऑफ हिम। मुझे तो यार मतलब बहुत अच्छा लगता है खाना बनाना, जैसे हमारी मम्मियों को हमारे लिए खाना बनाना अच्छा लगता है वैसे मुझे भी यू नो मॉम को हेल्प करने में यू नो अच्छा लगता है किचन में। अगर शी इज़ कुकिंग तो मैं उन्हें चॉपिंग कर देता हूँ, कभी रोटी वोटी सेक देता हूँ, तो छोटा मोटा काम कर लेता हूँ मैं भी। नहीं नहीं करेंगे डेफिनेटली, ये तो यार मैं अपने खुशी के लिए करता हूँ, जिस चीज़ में मुझे खुशी मिलती है मैं वही करता हूँ एंड ऑफकोर्स खाना बनाना बेकिंग करना कुकिंग ये सब मुझे अच्छा लगता है, तो मैं ऑफकोर्स शादी के बाद भी करूँगा। आई एम रेडी आवादे आवादे। बता सुनो क्या खाएगी यहाँ पे मेरे मेरे दिमाग के अलावा तू क्या खाएगी? ये मैं इसका दिमाग खाती हूँ ये मेरा खाता है, गलत बात बता रहा है आज राखी के दिन। सो यहाँ पे बहुत सारी यमी यमी डिलीशियस डिशेज है, पता नहीं चल रहा है क्या खाए क्या नहीं। लेट्स ऑर्डर वन पिज्जा, मुझे बहुत ऐसा पिज्जा खाने का मन कर रहा है, ऐसा वुड फायर्ड पिज्जा देख यहाँ पे ही है, फार्मर डिलाइट करते ना वेजीज वगैरह आएंगी। ओके विल गो फॉर वन फार्मर डिलाइट एंड कुछ स्टार्टर्स में से ऑर्डर करते हैं। आई मीन मैं क्यों बोल रहा हूँ भाई, ऑर्डर आपको देना, आप जो बोल आपको जो खाना है आप ऑर्डर। राज मेरे लिए कभी कभी ऑर्डर कर देता है, हर बार मैं ही करता हूँ बिकॉज शी इज सो कन्फ्यूज, मतलब कन्फ्यूज आत्मा ही है। कहीं भी हम लोग जाएंगे राज तू क्या खा रहा है, मैं थोड़ा बहुत शेयर कर लूँगी। मॉम आप क्या खा रहे हो, हाँ 2 बाइट में आपसे ले लूँगी। डैड आप क्या खा रहे हो, हाँ आपका ये नान और ये सब दे दो मैं खा लूँगी। ये कभी खुद से ऑर्डर करती नहीं है। मैं बहुत मूडी हूँ, सो आज भी मैं ये राज पे ही छोड़ती हूँ, वो मुझे ट्रीट दे रहा है तो ऑर्डर भी यही करेगा मेरे लिए। फिर तो मैं मसाला पापड़ मंगवा के कर देती हूँ, तो ये क्या ट्रीट वाली। मैं तो सस्ते में निपटाऊंगा ना भाई, मुझे बोलेगी तो मैं तो मसाला पापड़ खिला के भेज दूंगा। प्रॉपर लंच के लिए लेके आया ना, स्नैकिंग के लिए नहीं, तो ऑर्डर कर चल। मैं तो वही खिलाऊंगा, वही मेरे बजट में आएगा मसाला पापड़ पनीर टिक्का। ओके विल गो फॉर पनीर टिक्का। ओके व्हाट एल्स, एंड फ्राइज, यू वांट टू ईट फ्राइज और समथिंग, पास्ता पास्ता है या वी कैन ऑर्डर पास्ता। पास्ता पास्ता अरेबिया था, क्या खाना है, मिक्स सॉस भी है। हां पास्ता खाते हैं, पास्ता चलो। ओके भाई बातें तो होती रहेंगी लेकिन अब बारी है देखने की कि किस में कितना है दम, जाने की ये दोनों लड़ा रहे हैं पंजा। अभी हमने खाना तो ऑर्डर कर दिया है तो अभी वी आर लाइक बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम, तो मैंने सोचा कि इतना ये बोलती है सोनू मुझ में ये दम है बहुत ताकत है ये वो, तो मैं बोलता हूँ आज सोनू एक एक हाथ लगा ही लेते हैं। व्हाट्स इट, मैं इससे कम्पीट करना ही नहीं चाहती यार, ये एक ऐसे मारेगा ना पीछे पैट भी देगा तो ऐसा लगेगा कि मारा है उसने मुझे और दर्द होगा 10 दिन तक। नहीं वो तो मेरा प्यार है सोनू, मेरा प्यार है वो, बहुत ज्यादा प्यार करते हैं मेरा भाई मुझसे। चलो एक हाथ लगा ही लेते हैं, देखते हैं आज कौन जीतता है और जीतने वाले को मिलेगा डिलीशियस खाना।
इट्स नॉट लाइक कि मैं मस्ती कर रहा हूँ, मैं जेन्युइनली ताकत लगा रहा हूँ। चलो मैं हार मान गया, हार मान गया। ये मैं वही चक्की का आटा खाती हूँ। तुझमें इतनी ताकत कैसे है? बस आज राखी है ना तो मुझ में बहुत उत्साह आ गया है, तो मैंने सोचा कि आज तुझे हरा के रहूं। उत्साह 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 आटलो उत्साह पन। चलो अब फाइनल राउंड है, देखते हैं कौन जीतेगा। आज टफ कंपटीशन है, कम ऑन कम ऑन। It's all fair in war and competition and Rakhi, so I did this. और मैं जीत गई हूँ 2-1. चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आज राखी है तो मैं क्या ही बोलूँ, जीत गई मेरी बहन मुझसे। वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बिल मैं ही पे करने वाला हूँ। मीठे में क्या खाएंगे बता देना। भाई इस कंपटीशन में तो सोनू की ही जीत हुई और अब भाई को मिली है पनिशमेंट, बहना के लिए मॉकटेल बनाने की। ये हम YouTube चैलेंज में बड़ा करते हैं, जब कोई हार जाता है ना तो उसे चैलेंजेस देते हैं, तो आज तो राज हार चुका है तो इसे देना तो बनता है कुछ पनिशमेंट, बट हम क्यूट सी पनिशमेंट देंगे। ये सब बात नहीं होती है भाई, ये मैं घर जा रहा हूँ, मुझे घर जाना है। नहीं नहीं, आज घर कैसे जाएगा, आज तो राखी सेलिब्रेशन हो रही है। सो मुझे कुछ ठंडा ठंडा पीने का मन कर रहा है, मुंबई में थोड़ी गर्मी बढ़ चुकी है। सो तू मेरे लिए, नहीं रेडीमेड मुझे कुछ नहीं चाहिए, तू मेरे लिए बनाएगा और फिर मैं पीऊंगी। सो ये तेरी पनिशमेंट है, कम ऑन बी अ स्पोर्ट, इतना छोटा सा ही तो दिया है मैंने तुझे। ठीक है, मैं पानी में आइस क्यूब्स लेकर आता हूँ, ठंडा अभी रुक जा 2 मिनट। नहीं नहीं, अगर पनिशमेंट दिए तो मैं ज़रूर लूँगा ये पनिशमेंट, और सोनू के लिए कुछ अच्छा सा, कुछ प्यारा सा, कुछ मीठा सा बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास सारी चीज़ें रेडी हैं। तो सोनू, आज मैं आपके लिए बनाने वाला हूँ वर्जिन मार्गरेटा एंड कीवी फ्लेवर होने वाला है ये, जो मुझे पता नहीं था कैसे बनता है, अभी अभी मैंने सीखा है 2 मिनट में ऑफ कैमरा। सो आप जस्ट हमें कुछ दीजिए, 20-25 घंटे हम बनाते हैं। 20-25 घंटे? बस 5 मिनट। नॉर्मल सा मॉकटेल बनाने के लिए 20-25 घंटे? तो क्या बेकिंग कुकिंग करता है तू? मजाक था ये, मैं बहुत ही मजाकिया इंसान हूँ ना सोनू, तो मैं मजाक कर रहा था सोनू। अच्छा मुझे समझ गया, बना जल्दी, मुझे बहुत प्यास लगी। समझ क्या क्या बनाएंगे? ओके, तो हमारे पास यहाँ पे है कीवी सिरप, यहाँ पे लाइम जूस, ये है शुगर सिरप, ये है सोडा, ये है शेकर शेक करने के लिए, यहाँ पे है थोड़ा सॉल्ट, और यहाँ पे ग्लास, ये है स्टील का ग्लास, ये है ग्लास का ग्लास, ये है आइस जिसके अंदर है पानी वाला आइस, और या दैट्स इट। और इसमें आपको चाहिए थोड़ा सा प्यार। सो फार सो गुड, बड़ी आ रही है, पता नहीं फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा। वाव राज, आई एम इम्प्रेस्ड विथ योर स्टाइल, सर्विंग स्टाइल, नाइस। मैंने ऐसे इंस्टा पे कई सारे रील्स देखे जिसमें नो ऐसे कर्तव्य करते हैं लोग, तो मैंने सोचा मैं भी थोड़ा कुछ कर ही लेता हूँ। अब हम पोर करें सोडा, देखने में तो काफी डिलीशियस लग रहा है, बहुत ज्यादा ही फील कर दिया आपने। ये मेरा प्यार है जो उभर के आएगा। अच्छा, बहुत ज्यादा ही प्यार डाल दिया आपने इसमें। एंड मैम, आपका ड्रिंक तैयार है, प्लीज ट्राई कीजिए और हमें बताइए। थैंक यू, दिस लुक्स यमी एंड डिलीशियस, प्लीज होल्ड कीजिएगा। चलिए, हमें हमारा वर्डिक्ट मिल चुका है, इट लुक्स डिलीशियस यमी, पीने की जरूरत नहीं है, चलो खा के खत्म करते हैं। गड़बड़ नहीं होगी ना पेट में? नहीं नहीं, गड़बड़ घोटाला नहीं है। चलो लेट मी ट्राई दिस, नाइस यमी, थोड़ा सा शुगर कम है बट अच्छा लग रहा है, टेस्टी, यू वांट टू ट्राई?
अच्छा तो बहुत बना है। शुगर मैंने इसलिए कम डाला है कि यू नो शुगर इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। मैं तेरी हेल्थ का बहुत ध्यान रखता हूँ सोनू, मैं तुझे कुछ भी ऐसा टेढ़ा मेढ़ा नहीं खिलाऊंगा, इसलिए तुमने शुगर कम रखा है। बाकी मेरा प्यार तो तेरे लिए है, कितना स्वीट हूँ ना मैं। थैंक यू, बहुत स्वीट है। एंड आपने ये टास्क सक्सेसफुली कम्प्लीट कर लिया है। तो अभी ड्रिंक तो तूने पी ली, तुझे बहुत अच्छी भी लगी, सो 10 में से कितना देना चाहेंगे आप मुझे? सो बहुत ही अच्छे से प्रोफेशनली मुझे सर्व किया, सर्विंग स्टाइल भी आपने सर का देखा होगा, आई एम इम्प्रेस्ड। सो मैं 9/10 रेट करने वाली हूँ राज को इस पर। क्या बात है, अभी आपने जो पिया है इसका 250 रुपये लगेगा, हम जीपे नहीं लेते, सीधा कैश। ये तुम्हारी ट्रीट थी, बाय। अरे ओ हेलो मैडम, जाने बाहर जाने मत देना इनको। भाई खेल भी खेल लिया और इन दोनों के बारे में ढेर सारी बातें भी जान ली, मॉकटेल भी बन गया। अब बारी है रक्षाबंधन के इस त्योहार को मनाने की। जी हाँ, सोनू बांधेंगी राज की कलाई पर राखी। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस त्योहार को मनाने की। तो यहाँ पर मेरे पास आरती की थाली रेडी है, यहाँ पर मेरे पास है राखी, एंड यहाँ पे है राज के फेवरेट बूंदी के लड्डू। एंड अब हम शुरू करते हैं एंड राज से जो है राखी गिफ्ट लेते हैं। फूलों का तार, व्हाट इज दिस? आंखों से आंसू छलक आए मेरे, प्यार के आंसू, खुशी के आंसू। मेरा राखी गिफ्ट लाइए। सोनू के लिए मैं एक गाना डेडिकेट करना चाहूँगा जो हमारा ओरिजिनल है, जो हम बचपन से सालों से सुनते आ रहे हैं, और उसे सुनते ही हमारे आंखों में आंसू आ जाते हैं। फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000ों में मेरी बहना है, सारी उम्र हम संग रहना है। फूलों का तारों का सबका कहना है, लव यू सोनू, हैप्पी रक्षाबंधन एंड थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, विश यू द सेम। एंड बस प्लीज गिफ्ट मत मांगना। वही मांगना है। गाने से मैं इम्प्रेस नहीं होने वाली, गाना तो चलो ठीक है बोनस है, बट लाइए मेरा राखी गिफ्ट। तुझे ट्रीट तो दे रहा हूँ मैं इतने अच्छे रेस्टोरेंट में, वो तो हम वैसे भी ट्रीट करते ही रहते हैं एक दूसरे को, बट मेरा राखी गिफ्ट कहाँ है? जिस पर्पस के लिए मैं आई थी वो मुझे चाहिए। दे दूँ गिफ्ट? दे दे, दे दूँ गिफ्ट? दे दे, दे दूँ गिफ्ट? हाँ, तेरे सामने ही था, तूने देखा ही नहीं गिफ्ट, होल्ड कर। तो सोनू के लिए अभी शगुन के लिए एक छोटा सा गिफ्ट है, सो ये रहा आपका छोटा। थैंक यू राज। सो इट्स अ स्मॉल छोटू सा सिल्वर कॉइन, एंड मुझे इस तरह के जो प्रेशियस गिफ्ट्स होते हैं काफ़ी अच्छे लगते हैं, सो थैंक यू। बाय द वे ये तो बस टीजर था गिफ्ट का, जो मेन पिक्चर, जो मेन गिफ्ट है वो भी आना बाकी है। आपको तो पता ही है मुंबई का ट्रैफिक कितना है, तो बस ये आगे जो सिग्नल है ना वहाँ पे अटक गया है गिफ्ट, तो थोड़ा आ रहा है रिक्शा में, तो टाइम लगेगा। तो एक्सक्यूजेस देखो इसके, तब तक के लिए ये रहा आपका छोटा सा गिफ्ट। थैंक यू राज, थैंक यू फॉर ऑलवेज बींग देयर फॉर मी। एंड राज मेरी काफ़ी सारी हेल्प करता है, मुझे यू नो डायरेक्शन में हेल्प करता है, कभी मुझे कभी कुछ वीडियोज़ बनाने में हेल्प चाहिए तो करता है, एंड हमारी नोकझोंक तो होती है, एडिटिंग में हेल्प करता है, थंबनेल बनाने में हेल्प करता है, फोटोज एडिट में करता है, रील बनाने में हेल्प करता है। बस सारा क्रेडिट खुद ही लेके जाएगा क्या?
सो हम एक दूसरे की हेल्प करते हैं, नोकझोंक भी होती है जैसे नॉर्मल भाई बहन होते हैं, सबकी होती होगी, एंड हम रूठ भी जाते हैं, कई दिनों तक बात भी नहीं करते, ऐसा भी होता है हमारे साथ, सिर्फ काम के लिए बात करते हैं एंड टेक्स्ट कर देते हैं, फिर मैं ही जाता हूँ वहाँ पे सामने से, मैं मनवाता हूँ एंड देन हम नॉर्मल हो जाते हैं। हाँ ये तो चलता रहता है, एंड भाई बहन के बीच में अगर झगड़ा ना हो तो वो भाई बहन नहीं है, तो झगड़ा होना जरूरी है। तो भाई राखी तो बन गई, अब बारी है यमी यमी खाना खाने की, क्योंकि राज ने अपनी बहना को ट्रीट जो दी है। So, यहाँ पर हमारे पास यमी यमी खाना आ गया है और इतना देखने में डिलीशियस लग रहा है, मतलब मुंह में पानी आ रहा है, देखो मेरे जीभ लप लपा रही है मेरी, इतना डिलीशियस लग रहा है कि बस अभी ज़्यादा बातें करने का मन नहीं कर रहा, खाना खाने का मन कर रहा है। सो अभी हम खाते हैं और सोनू को थोड़ा पैम्पर मतलब हैम्पर करते हैं सोनू को थोड़ा पैम्पर करते हैं और सबसे पहला बाइट जाता है हमारी ऑडियंस को और जाता है सोनू को खा ले आज मैं ही सोनू को खाना खिलाऊंगा ऐसे, वो जैसे पता बचपन में मम्मी खिलाती थी हमें बहुत ही डिलीशियस है, मुझे सर्विंग स्टाइल काफ़ी यूनिक लगा। यस इस तरह से हमें प्लेट्स दी गई है, बोल्ड और नट्स दिए गए एंड बहुत ही यम्मी लग रहा है, खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है। मैम प्लीज थैंक यू, यम्मी आप भी खाइए। ओह थैंक यू, ये क्या था एंड हम दोनों बिग टाइम फूडीज है, हम अपने वीडियोस में भी यू नो फूड कैप्चर करते रहते हैं, बहुत अच्छी अच्छी जगह पे जाते हैं जहाँ पे मुंबई में यू नो डिलीशियस खाना मिलता है, खाऊ गली वो भी एक्सप्लोर करते हैं एंड हमें सिर्फ मौका चाहिए होता है खाना खाने का, वीडियो तो ऐसे बहाना कि यूट्यूब के लिए कर रहे हैं, हमें एक्चुअली कुछ खाने का मन होता है, हाँ चलो यूट्यूब का वीडियो बनाना है हम खा लेते हैं, वैसा होता है हमारे साथ। सो हम यू नो खाना एक्सप्लोर करने मुंबई के स्ट्रीट फूड है, कोई रेस्टोरेंट्स है वो एक्सप्लोर करने के लिए निकल पड़ते हैं और डिलीशियस खाना जो है खाते हैं, बिग टाइम फूडी है। भाई त्योहार का मौका हो और उसमें मिठास ना घुले, ऐसा भला कैसे हो सकता है। तो भाई राज और सोनू की मीठी मीठी बातों के साथ साथ ये दोनों खा रहे हैं मीठे मीठे गुलाब जामुन भी। वैसे तो हमारी बचपन की जो यादें हैं बहुत सारी यादें हैं, अगर हम आपको बताने बैठेंगे तो इतने सेगमेंट्स निकल जाएंगे कि नेक्स्ट राखी पहुंच जाएगी बट मैं आपके साथ एक अच्छा सा इंसिडेंट शेयर करना चाहती हूँ जो मैंने राज के साथ किया था। बचपन में बहुत छोटू सा था एंड मॉम ने इसे मुझे टेक केयर करने के लिए यू नो पलंग पे खिलौने विलौने देके बिठाया हुआ था और मॉम गई थी शावर लेने के लिए और मैंने मस्ती में हाथ में था 2 रुपीज़ का कॉइन और मैं इसे दिखाते दिखाते गलती से इसके जो है माउथ में इंसर्ट कर दिया एंड मैं क्या वो पुराने जमाने वाला वो था क्या कॉल करने वाला वो पीसी होता क्या, इंसर्ट कर दिया 2 रुपए का कॉइन कि अभी कॉल लगेगा, हाँ पीसीओ में हाँ इंटरनेशनल कॉल लगेगा, बोल ऐसे रही है इसके माउथ में मैंने इंसर्ट कर दिया मैं क्या मैं पीसीओ था क्या कि वो तू डायल करेगी और कहीं कॉल लगेगा। सो वही तो यादगार लम्हे है जो आज भी हम यू नो याद करते हैं, मॉम हमें बताती है और हमें हंसते हैं, मुझे तो इस पे भी मतलब वो सोच के गुस्सा भी नहीं आता है, मतलब बच्चे थे ना बच्चों से तो चीजें होती है, अगर मैं होता तो मैं 50 रुपए का कॉइन इसके मुंह में डाल देता। कब निकाला 50 रुपए का कॉइन निकालता मैं पर ये बात हम अभी भी मॉम के साथ यू नो पेरेंट्स के साथ बैठकर ये डिस्कस करते हैं तो काफी हंसी आती है हमें। एंड फिर मैं इंसिडेंट याद है, यस जब हम लोग यू नो नेटिव में थे तब मेरी कजिन सिस्टर ने मेरे पे आटा फेंक दिया था, मतलब मैं अच्छे से बेड पे लेटा हुआ था तो वहाँ पे मॉम आटा मिर्ची भी पिसवा के आई थी, याद रखिएगा मिर्ची भी थी वहाँ पे आटा भी था, तो पता नहीं उसके दिमाग में भगवान ने क्या सद्बुद्धि दी तो उसने आटे का डब्बा उठाया और मेरे पे डाल दिया और फिर मॉम को जो परेशानी हुई है मुझे नहलाने में बिकॉज आटा यू नो हाँ एक तो मैं गोलू मोलू था तो मॉम मुझे बताती अभी भी कि यू नो तो इतना गोलू मोलू था तुझे आटे से मैं धो रही हूँ आटा निकल नहीं रहा है स्लिप हो रहा है तो रो रहा है, तो वो एक यू नो बचपन की ऐसी कुछ बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे पास और क्या है हमारे पास। हाँ मैं इसकी एक हरकत बताता हूँ, यस मॉम गई थी नाने, मैं तो बच्चा सो रहा था और डैड गए थे बाहर काम पे और बहना ने क्या किया, बहना ने बाथरूम का डोर जो है बाहर से लॉक कर दिया
और मॉम डोर खोल रही है, पता नहीं चल रहा है, एंड मॉम चिल्ला रही है हेल्प हेल्प बचाओ बचाओ। तो नेबर्स डर गए कि कुछ हो रहा है, कि क्या हो गया है, लेडी चिल्ला रही है। तो वो आए, उन्होंने दरवाज़ा ठोका कि कौन, खोलो खोलो, और ये सबको देख रही है सेफ्टी डोर से, एंड सब उसको बोल रहे बेटा दरवाज़ा खोलो, एंड शी इज़ लाइक। और राज है जो रो रहा था, और मॉम डर गई कि इसको क्या हो गया, ये बाहर कैसे हैंडल कर रही है इतने छोटे बच्चे को, और मॉम अंदर से दरवाजे पीट रही है, विंडो से चिल्ला रही है। फिर मॉम ने इसको इतना चिल्लाया डांटा, तब जाके इसने जाके दरवाज़ा खोला, फिर लोगों को बोला कि कुछ हुआ नहीं है भाई, मेरी बेटी ने डोर लॉक कर दिया था बाथरूम का, तो मैं लॉक हो गई थी। तो इसने ऐसी ऐसी हरकतें भी की हुई है। ये बहुत सारी मीठी ऐसी यादें हैं, एंड रक्षाबंधन की स्पेशली हम शेयर करें तो यू नो राज बहुत छोटू सा होता था, एंड डैड से यू नो 100-500 रुपीज़ लेता था और मुझे एनवेलप देता था, ये ले तेरा राखी गिफ्ट, तो हमें बहुत याद करते और हंसते। और मैं उन पैसों को तो ऐसे छुपाता था कि इसे कुछ पता ही नहीं है। मतलब डैड ऐसा पीछे मुझे, डैड बोलते थे ऐसे ऐसा करके, आग बनकर तेरे लिए गिफ्ट है, और ऐसे 500 रुपए का नोट में से देता था। बट यू नो अब हम बड़े हो गए हैं, अभी थोड़ा अंडरस्टैंडिंग भी है, तो क्या अभी हम गिफ्ट्स तो अभी क्या, अभी ठीक है चलते हैं, अभी वो समझ जाते हैं। बट हमारा ऐसा नहीं होता कि रक्षाबंधन है तभी हमें गिफ्ट देनी है, हम एक दूसरे को ऐसे कुछ ना कुछ गिफ्ट करते रहते हैं। अगर हम कहीं कुछ ट्रैवल कर रहे हैं, किसी को कुछ पसंद आ गया, तो वे लाइक चल ले ले भाई, मैं पे कर दूंगा कर दूंगी। तो हम ऐसे आए गए दिन हम एक दूसरे को गिफ्ट करते रहते हैं। डांस तो बनता है, बट डांस के पहले ये गुलाब जामुन जो है कब से चिल्ला रहा है नीचे से, राज भैया राज भैया, विद रबड़ी, गर्मा गर्म रबड़ी है विद ड्राई फ्रूट्स। तो पहले इसे थोड़ा इन्जॉय करते हैं, फिर डांस। आप देखो हमारा जो ये गुलाब जामुन खा के डांस निकलेगा। देखा ये ऐसी, ये कभी ना ऐसा ऐसा भाई बहन वाली ऐसी प्यारी प्यारी हरकतें करती नहीं है ये। अभी क्या, अभी मुझे नहीं खाना, छोड़। अरे खा ले। नहीं नहीं नहीं, जो गुलाब जामुन रबड़ी के साथ इसने अपने बाल खाया ना वाओ दिस इज सो डिलीशियस यार, एकदम घी वाला गुलाब जामुन, गर्मा गर्म रबड़ी। हम हमारे व्यूअर्स को एंड ऑडियंसेस को थैंक यू बोलना चाहेंगे इतना सारा प्यार देने के लिए, एंड इस राखी के त्यौहार को अपने सिबलिंग्स के साथ जो यहाँ पर है, जो दूर है, मैसेज कीजिए। हाँ, मैसेज कीजिए, अच्छा अच्छा खाना खाइए, एंड फैमिली टाइम स्पेंड कीजिए। यस, और ऐसे कुछ भाई बहन होंगे जो एक दूसरे से नाराज़ होंगे, बात नहीं कर रहे होंगे, सो आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो मेरी बस यही रिक्वेस्ट है कि जाने दीजिए सारी चीज़ों को, चीज़ें तो होती रहती हैं, दिल बड़ा रखिए क्योंकि लाइफ बहुत छोटी है। सो अभी के अभी आप उठिए, जिनसे आप अपने सिबलिंग से बात नहीं करें उन्हें मैसेज कीजिए, राखी विश करिए, एंड अच्छी सी ट्रीट पे जाइए, डेट पे जाइए, राखी डेट पे जाइए। यस, न्यू ट्रेंड है राखी डेट, वाह। यस, खाना वाना खाइए, एंजॉय कीजिए, और सारे गिले शिकवे भुला दीजिए। तो सास बहू और बेटियां के सभी दर्शकों को मेरी और सोनू की तरफ से हैप्पी रक्षाबंधन। तो भाई जाते जाते भाई बहन का एक डांस तो बनता है ना। तो भाई हमारी तरफ से भी सभी भाई बहनों को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप भी खुशी खुशी अपने भाइयों और बहनों के साथ मनाएं ये त्योहार। से विशाल शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय जरूर दें, और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियां।